आज दुनिया में चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे आईएमएफ, चाहे कोई भी दुनिया की रेटिंग एजेंसी, एक स्वर से दुनिया में से एक ही आवाज उठ रही है कि दुनिया की बड़ी देशों की जो इकोनॉमी है उसमें अगर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। ये धन जो विदेश से आया है, ये धन जो विदेश से आने वाला है, वो किस काम आने वाला है? यहां उद्योग लगेंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और सबसे बड़ी बात, यहां के नौजवान को रोजगार मिलेगा। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए और इसलिए हमारी सरकार एक बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ रही है और वो बात है विकास, विकास और विकास। अहमदाबाद आगे बढ़े और आसाम पीछे छूट जाए तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। रोजगार, रोजी रोटी कमानी है तो यहां से लोग अपना गांव परिवार छोड़ करके हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर की ओर चले जाते हैं, मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, गोवा जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे। अगर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाका का भी ऐसा ही विकास हुआ होता तो यहां के नौजवानों को बूढ़े मां बाप को छोड़ करके सैकड़ों मील कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा एक ही सपना है कि भारत का संतुलित विकास हो। अगर पश्चिम का विकास हुआ है तो पूर्वी हिंदुस्तान का भी विकास होना चाहिए। दिल्ली में आपने जिस सरकार को बिठाया है उसने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है, ये पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए। हिंदुस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ प्रमुखतया पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों की भूमिका रही थी और पूरे देश का पेट भरने का काम देश के किसानों ने बीड़ा उठाया, पूरा कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, अब हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी हरित क्रांति अगर वो होने वाली है तो हिंदुस्तान के इस पूर्वी इलाके से होने वाली है, आसाम से होने वाली है। भाई, मेरे दिल की इच्छा है कि 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब तक हमारे किसान की आय डबल हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए।